देखिए माशरे के अंदर जो रखने पैदा हो जाते हैं, जो खराबियां पैदा होती हैं, उनके दो बड़े बड़े असबाब को यहां पर वाजे किया गया है। एक अफवाहों पर अमल करना, अफवाह फैल गई बगैर उसकी तहकीक किए कोई इकदाम कर दिया, किसी ने आकर उड़ा दिया कि फलां कबीला जो है उसका लश्कर आ रहा है हमले के लिए। अब यहां से जो पहले से लोग तैयार होकर गए और वो अभी अपने घरों ही में थे कि उन पर जाकर पड़ गए और उनके ऊपर जो है चूंकि वो खबर थी कि वो तैयारियां कर रहे हैं और वो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं, लिहाजा वो प्रीएम्प्टिव अटैक जो है, जो आजकल बुश साहब की जबान पर बहुत ज्यादा लफ्ज है कि हम तो प्रीएम्प्शन जो है वो करेंगे, हमारा हक है, तो वो प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि वो तो खबर ही गलत थी, तो जाहिर बात है कि उस पर यकीनन जो है वो पशेमानी हुई कि हमने एक ऐसा इकदाम किया कि जो एक गलत खबर पर मबनी था। और इसको यूं समझिए कि उस माशरे में इसके इम्कानात बहुत थे। जो लोग ईमान ले आए थे और जिनमें अभी ईमान पूरे तौर पर रासिख नहीं हुआ था, उनमें से वो लोग भी तो थे ना जिनकी पुरानी कबायली दुश्मनियाँ थी। अब एक शख्स का ख्याल है कि मैं अपने उस दुश्मन कबीले से कोई जो है इंतकाम लेने की सूरत पैदा करूँ। उसने खबर उड़ा दी कि फलां कबीला जो है वो तैयारी कर रहा है मुसलमानों तुम्हारे ऊपर हमला करने की, लिहाजा पेशतर इसके कि वो इकदाम करें तुम जाओ। और उसने गोया कि ये चाहा कि वो अपना इंतकाम जो है उसको लेने का जरिया इसे बना ले, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते थे अभी जिनमें ईमान रासिख नहीं हुआ था पूरी तरह। जैसे कि इसी सूरह मुबारका में आएगा कि قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم। ये बद्दू कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए, नबी इनसे कहिए कि तुम ईमान हरगिज नहीं लाए हो, हाँ यूं कह सकते हो मुसलमान हो गए, हमने इताअत कबूल कर लिए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। तो जब तक दिल में दाखिल ना हो तो इंसान के आमाल पर उसका असर नहीं होता। लिहाजा पहली बात यह है जिसका सद्देबाप किया जा रहा है कि अफवाहों पर कोई इकदाम ना किया जाए। या अय्युहल लजीना आमनू, देखिए मैंने पिछली मरतबा अर्ज किया था कि या अय्युहल लजीना आमनू, यह सीगा खिताब का इस सूरह मुबारका की 18 आयात में 5 दफा आया है। ए ईमान वालो, इन जाकुम फासिकुम बिनबईन, अगर आए तुम्हारे पास कोई फासिक, यानी अगर तो कोई मुत्तकी बहुत मोहतात रासिखुल ईमान रासिखुल अकीदा मुसलमान खबर लेकर आए तो उस पर तहकीक की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखो खबर लाने वाला कौन है। और वो अगर पूरी तरीके से काबिल एतमाद नहीं है, फासिक व फाजिर है, पूरी तरह अभी ईमान उसके दिल में दाखिल नहीं हुआ है जो उसके आमाल से जाहिर हो जाता है। इन जाकुम फासिकुम बिनबईन, अगर अबू बकर सिद्दीक को खबर लाएंगे तो उस पर कोई तहकीक नहीं की जाएगी, इसलिए कि वो तो असिद्दीक है, उसके बारे में किसी झूठ का किसी गलत बयानी का कोई इम्कान ही नहीं। लेकिन इन जाकुम फासिकुन बिनबईन, अगर आए तुम्हारे पास कोई फासिक कोई बड़ी खबर लेकर, नबा नबा कहते हैं बड़ी खबर को, अहम खबर, फतबैयनू, तो तहकीक कर लिया करो, छानबीन कर लिया करो, तफ्तीश कर लिया करो, अंतुसीबू कौमन, मबादा तुम जा पड़ो किसी कौम पर, किसी कबीले पर, किसी लोगों के ऊपर जाकर हमला कर दो, हमला आवर हो जाओ, बेजहालत लाइमी में, तुम्हें सही बात मालूम नहीं थी, तुम्हें गलत फहमी के अंदर मुबतला कर दिया गया, एक झूठी खबर के ऊपर तुमने इकदाम कर दिया, फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, और फिर जो कुछ तुमने किया है उस पर तुम्हें पछताना पड़ेगी, हमने क्या किया, बड़ी गलती हुई हमसे, हमने हमला कर दिया जबकि इस इधर से कोई इस तरह की स्कीम नहीं थी, बाद में तहकीक से मालूम हुआ कोई इरादा नहीं था और हमने एक तरफा कदम उठा दिया, तो कितनी नदामत होगी, अगर चंद लोग भी उसमें मारे गए तो ये खून नाहक जो है कत्ल नाहक की शक्ल बन जाएगी, लिहाजा पूरी तरह तहकीक करके इकदाम किया करो। हाँ, इसमें जैसा कि दो अल्फाज है मैंने आपको बताया, एक फासिक, यानी अगर मोमिन सादिक है, पूरी तरीके से एक इंसान है जिसका पूरा माजी सामने है, उसका पूरी शख्सियत जो है हमें मालूम है कि वो मोहतात आदमी है, मुत्तकी आदमी है, खुदा तरस आदमी है, उसकी ज़िंदगी के अंदर ईमान के मज़ाहिर मौजूद हैं, लिहाजा उसकी बात है तो फिर उसमें तहकीक की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि हुजूर के इंतकाल के बाद जो झगड़ा शुरू हो गया था कि अंसार मुद्दई थे कि खिलाफत हमें मिलनी चाहिए, हमारी वजह से इस्लाम को गलबा हुआ, ये कुरैश जो थे ये जो आए थे ये तो भागे हुए आए थे और वहाँ से मक्के से इनको निकलना पड़ा था, हमने मदद की थी तो उससे इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ। अब ये सूरत हाल किस कदर, आप समझिए कि सेंसिटिव इशू था, किस कदर सेंसिटिव इशू था, लेकिन ये है कि एक हदीस सिर्फ बयान की है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सकीफा बनी सादा में आकर कि हुजूर ने फरमाया है अल अइम्मतु मिन कुरैश,
امام قریش میں سے ہوں گے, بس بات ختم. کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اے ابو بکر آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی اور گواہ ہے آپ کا, یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی اور بھی ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو؟ کچھ نے نہیں پوچھا, کیونکہ کہنے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ, جس کی شخصیت ہر شک کو شبہ سے بالاتر تھی. تو اگر تو معاملہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کہ کوئی شخص جو ہے مشتبہ قسم کا آدمی ہے, اس کی سیرت و کردار پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے اور وہ بہت بڑی خبر لے کر آ گیا ہے, تو اس پر اقدام نہ ہو. اور پھر اس میں بھی نبا ان کا لفظ ہے, بڑا چھوٹی موٹی کوئی بات کسی نے بیان کی ہے چلیے کوئی بات نہیں, لیکن ایسی بڑی خبر فلاں قبیلے والے تم پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو اس میں تحقیق کے بغیر کوئی اقدام کرنا درست نہیں ہے. اس میں یہاں تک فرمایا حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے وہ بیان کر دے. کان میں ایک بات آئی اور زبان سے آگے نکل گئی, یہ غلط ہے, یہ بھی ایک جھوٹ کی علامت ہے. جو بات سنی ہے پہلے تحقیق کرو, دماغ میں لے کر جاؤ اسے اور تحقیق کرو, تفتیش کرو, تبیین کرو. اگر وہ بات صحیح ہو تو تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے, ورنہ اگر وہ بات جھوٹی تھی تو اس جھوٹ کے پھیلانے میں تم بھی شریک ہو گئے, جھوٹ جو ہے وہ مزید آگے جا رہا ہے تمہارے ذریعے سے. لہذا یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے, حالانکہ آپ نے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا ہے, آپ کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. بھائی میں نے یہ سنا ہے, بھائی یہ سنا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر آگے آپ بیان کر رہے ہیں, تو اس سے تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جھوٹی ہے خبر تو گویا آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس کے آگے پھیلانے کا. لہذا اس کے اوپر یہاں تک اس کو یعنی روکنے کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے. کفا بالمرء کذبا, کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کفایت کرتی ہے, ان یحدث بکل ما سمع, کہ وہ بیان کر دے ہر وہ شے جو اس نے سنی ہو, یعنی اس میں تحقیق اور تفتیش سے کام نہ لے.